कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा में सुकरौली के नेहरू इंटर कॉलेज के मैदान में भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। मनोज तिवारी ने जनता से हाटा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मोहन वर्मा को जिताकर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की उपस्थित लोगों से अपील किया। बता दें कि विधानसभा हाटा के सुकरौली स्थित नेहरू इंटर कॉलेज के प्रांगण में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावी जनसभा का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि दिल्ली के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मनोज तिवारी रहे। कार्यक्रम में मनोज तिवारी का पार्टी के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। मनोज तिवारी ने कहा कि कुछ लोग और पार्टियां राम मंदिर, गरीबों के लिए आवास और शौचालय बनवाने को लेकर विरोध कर रहे हैं। यूपी में काबा के सवाल पर उन्होंने कहा कि यूपी में बाबा के बुलडोजर बा। और क्या कहा मनोज तिवारी ने, आप भी सुने। ये मेरी आज की जो सभा है वो पूरे उत्तर प्रदेश में ये 69वीं सभा है। इसके पहले मैं 68 सभा कर चुका हूँ, और थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा। और मैं आपको अपनी नज़रों से जो देखा है, हमने जो करंट देखा है, जो करंट आज हाटा में आप देख रहे हैं, यही करंट हमने अपने 68 सभाओं में पाया है। हमारा पूरा जो उम्मीद है कि हम 300 टच करेंगे। पिछली बार हमारा 325 था, हम 300 इस बार टच करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से लोगों का प्रेम बढ़ रहा है बीजेपी के प्रति, और जिस प्रकार से सिर्फ इसलिए बीजेपी का कुछ लोग, कुछ पार्टियां विरोध कर रही हैं कि तुमने राम जी का मंदिर क्यों बनवाया, तुमने लोगों को घर घर शौचालय क्यों बनवाया, तुमने बेघर को घर क्यों बनवाया, और जिस प्रकार से गरीब जनता उमड़ के आ रही है, अगर पिछला रिकॉर्ड भी टूट जाए 325 का, तो आश्चर्य किसी को नहीं करना चाहिए। बट हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम 300 टच कर रहे हैं। भाई देखो, अगर कोई चार बार शासन करने के बाद ये किसी कलाकार से गाना गवाए कि यूपी में काबा, तो फिर तो यूपी के पत्रकार लोगन के भी बहुत एकरा में अपमान बा। जो ने अब यूपी में काबा, ये तो अपमान की बात है। आप चुनाव में ये कहिए कि तुमने विकास क्या किया, तुमने काम क्या किया, हमने क्या किया, लेकिन सीधे कह दो कि यूपी में काबा, तो फिर बुद्ध भगवान का अपमान, राम का अपमान, कृष्ण का अपमान, सबका अपमान हो गया, भगवान रविदास का अपमान। तो ऐसी स्थिति में एक ही लाइन बोलता हूँ कि ऐसा जो बोलने वाले हैं उनको याद रहना चाहिए कि यूपी में बाबा के बुलडोजर बा।